हे वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैंटो के बेस्ट पॉक्यूमन फाइंड आउट करने वाले, लेकिन आज हम लोग फाइंड आउट की पॉक्यूमर्स हर एक टाइप से करेंगे और इस लिस्ट के अंदर लेजेंडरी पॉक्यूमन या फिर मेगा इवोल्यूशंस को मैं ऐड नहीं करूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। एंड लेजेंडरी पॉक्यूमन के लिए हम लोग अलग से लिस्ट बना सकते हैं, वेल एक्चुअली मैंने बना रखे लेजेंडरी पॉक्यूमन की लिस्ट, तो जाओ तुम लोग वो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये वीडियो पहले फिनिश कर लो। तो हाँ भाई, स्टार्ट करते इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर तुमने लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर दो, ये फॉर्मेलिटीज है तुम्हें भी पता है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आते हैं बर्ग टाइप। तो बर्ग टाइप में एक कॉमन सा आंसर है साइथर, इसमें और कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन तुम लोग बोलोगे यहाँ पे एक और पॉक्यूमन आ सकता है, वो है बटरफ्री, क्योंकि उसके पास पॉपुलैरिटी है। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉक्यूमन की बात कर रहे हैं हर एक टाइप में से, और साइथर के जो मूव सेट है उसमें ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन बटरफ्री के पास ऐसा नहीं है। और बटरफ्री के अगर तुम स्टैट्स भी देखोगे तो गेम में वो उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा जितना तुम्हें साइथर काम आएगा, बिकॉज गेम के अंदर तुम साइथर को यूज़ कर पाओगे ज़्यादा अच्छे से एज़ कम्पेयर टू बटरफ्री। तो नेक्स्ट टाइप पे डार्क टाइप। नहीं, डार्क टाइप पे तो कोई पॉक्यूमन था ही नहीं कैंटो में, क्योंकि डार्क टाइप कैंटो के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट टाइप पे ड्रैगन टाइप, और ड्रैगन टाइप का एक ही फैमिली ग्रुप है कैंटो के अंदर, वो है ड्रैगनाइट का फैमिली ग्रुप, यानी कि ड्रटीनी, ड्रैगनीर एंड ड्रैगनाइट। सिर्फ यही तीनों पॉक्यूमन ड्रैगन टाइप में एग्जिस्ट करते कैंटो के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है कि ड्रैगनाइट ही यहाँ पे बेस्ट फायर टाइप पॉक्यूमन होगा। ना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, बिकॉज ड्रैगनाइट के कॉम्पिटिशन में और कोई पॉक्यूमन है ही नहीं। एंड इवन तो ड्रैगनाइट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये भी हम लोग को मानना होगा, बिकॉज हम लोगों ने एनिमे में भी देखा है एंड गेम्स में तुम यूज करोगे उसको, तो हाँ भाई वो अच्छा है। और ड्रैगनाइट सूडो लेजेंडरी पॉक्यूमन भी है, इस कारण से उसके पास एक अलग ही अपर हैंड आता है। अब अपना नेक्स्ट टाइप आता है, वो है इलेक्ट्रिक टाइप। और इलेक्ट्रिक टाइप के अंदर हम लोग अगर एनिमे के अकॉर्डिंग चले तो पिकाचू से अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप का पॉक्यूमन और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एनिमे और गेम्स दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो देखो एनिमे के लिए तो नो डाउट भाई एश का पिकाचू वो बेस्ट है, उसके सिवा और कोई पॉक्यूमन इलेक्ट्रिक टाइप में आ नहीं सकते। लेकिन हमने थोड़ा सा गेम डेटा भी अगर लिए तो यहाँ पे ऑप्शन बनते हैं इलेक्टाबर्स के लिए, और राइचू भी एक अच्छे कॉम्पिटिटर है। लेकिन मैं राइचू और इलेक्टाबर्स में से किसी एक को प्रेफर करना चाहूंगा तो मैं इलेक्टाबर्स के साथ जाऊंगा, बिकॉज बाद में इलेक्टाबर्स इवॉल्व भी हो सकते हैं इलेक्ट्रीवायर में। वो बात अलग है कि इलेक्ट्रीवायर दूसरे रीजन के पॉक्यूमन है, लेकिन फिर भी वो उसी का तो इवोल्यूशनरी लाइन है। एंड अपना एश का पिकाचू वो तो एनिमे के अंदर एक हीरो जैसा पॉक्यूमन है ही। नेक्स्ट टाइप है फेरी, लेकिन नो, पॉक्यूमन वर्ल्ड के अंदर कैंटो में फेरी टाइप तो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था जनरेशन 1 के अंदर, तो नहीं फेरी टाइप का यहाँ पे कोई भी पॉक्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट टाइप है फाइटिंग टाइप। तो इसके अंदर मैंने जो बेस्ट पॉक्यूमन को फिगर आउट किया है वो है पॉलीरैथ। पॉलीरैथ के पास पावर्स है एंड उसके पास जो वाटर टाइप का और कॉम्बिनेशन है वो उसको थोड़ा स्ट्रांग भी बनाता है। इसके पास कैंटो के अंदर और भी कॉम्पिटिटर्स थे, जस्ट अगर तुम प्राइमेप को ले लो, और हिटमॉन ली, हिटमॉन चैन ये सब भी थे, लेकिन यहाँ पे इसके पास वाटर टाइपिंग भी है जो इसको थोड़ा सा अपर हैंड देता है। एंड उसके बाद इसके पास जो स्टैट्स है वो ज़्यादा अच्छे है बाकी पॉक्यूमन से, लेकिन स्टैट्स उतना मायने नहीं रखता है एनिमे के अंदर। लेकिन फिर भी यार अगर हम गेम्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो पॉलीरैथ अच्छा है, और एनिमे के अंदर भी हम लोग चले तो पॉलीरैथ को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाया गया है एज कम्पेयर टू हिटमॉन चैन और हिटमॉन ली। नेक्स्ट टाइप है फायर टाइप, और फायर टाइप में अगर हम लोग लेजेंडरी पॉक्यूमन को इंक्लूड नहीं कर रहे तो भाई इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है कि बेस्ट फायर टाइप पॉक्यूमन कौन सा होने वाला है, वो चाइजार्ड है। चाइजार्ड के बारे में मैं भी जितना बोलूँ उतना कम होगा, बिकॉज तुम लोग सभी जानते हो चाइजार्ड एक अलग ही पावर का पॉक्यूमन है। एंड उसको अगर मैं इस लिस्ट में यहाँ पे नंबर 1 पे नहीं रखता फायर टाइप में तो नहीं भाई ये लिस्ट बिल्कुल बेकार ही हो जाती बिना चाइजार्ड की। चाइजार्ड के बारे में मैं बताऊँ या ना बताऊँ बात बराबर है, बिकॉज तुम लोग को चाइजार्ड के पावर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। नेक्स्ट टाइप है फ्लाइंग टाइप। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में यहाँ पे दो पॉक्यूमन निकल के आते हैं, वो है चाइजार्ड और ड्रैगनाइट। इन लोगों का भी जो सेकेंडरी टाइप है वो है फ्लाइंग टाइप। और एक और सरप्राइजिंग बात है कि कैंटो के अंदर किसी भी पॉक्यूमॉन का जो प्राइमरी टाइप है वो फ्लाइंग टाइप नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉक्यूमॉन जिसका सेकेंडरी टाइप फ्लाइंग टाइप है, जैसे तुम पिज़्ज़ोट ले लो, उसकी पूरी एवोल्यूशनरी लाइन ले लो, उनका भी, और चाइजार्ड, ड्रैगनाइट ये सब भी। तो यहाँ पे चाइजार्ड या ड्रैगनाइट ये दोनों ही बहुत ही मस्त पॉक्यूमॉन है, और इन दो में से तुम्हें किसी एक को पिक करना है बेस्ट फ्लाइंग टाइप पॉक्यूमॉन के लिए। तो ये काम मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि चाइजार्ड या फिर ड्रैगनाइट फ्लाइंग टाइप के लिए ज़्यादा अच्छा कौन काम आएगा। अब देखो एनिमे के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पे ड्रैगनाइट के बारे में ऐसे बोला गया था कि वो बहुत स्पीड से उड़ते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा अपर हैंड होगा ड्रैगनाइट के पास। लेकिन फिर भी यार तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि चाइजार्ड या ड्रैगनाइट फ्लाइंग टाइप के लिए कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइप है घोस्ट टाइप। एंड घोस्ट टाइप में भाई बहुत ही कम पॉक्यूमॉन है, वह गैस्ट्री का जो इवोल्यूशनरी लाइन है बस वही एडजस्ट
करता है कैंटो के अंदर घोष टाइप में। तो गेंगा यहाँ पे एक ऑब्वियस सा आंसर है कि गेंगा यहाँ पे बेस्ट पॉक्यूमन बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉक्यूमन बनेगा, बिकॉज गेंगा के पास कोई और कॉम्पिटिशन नहीं है कैंटो रीजन में घोष टाइपिंग के लिए, और गेंगा असलियत में बहुत ही पावरफुल पॉक्यूमन है। दैट्स व्हाई यहाँ पे गेंगा को तो हम लोग को ऐड करना ही होगा। अब आते हैं अपना ग्रास टाइप। तो ग्रास टाइप के अंदर जितना भी कॉम्पिटिशन हो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना वीनोसॉर ये यहाँ पे बेस्ट पॉक्यूमन बनेगा। ये थोड़ा सा अंडर रेटेड पॉक्यूमन है, बाकी स्टार्टर्स के पीछे थोड़ा सा छुप जाते हैं, लेकिन ये सबसे पावरफुल पॉक्यूमन में से एक है ग्रास टाइप के अंदर। और कैंटो में इसके लेवल का और कोई पॉक्यूमन है नहीं, बिकॉज इसके पास जो मूव्स है एंड इसका जो बेस्ट मूव है फ्रेंजी प्लांट, वो बेस्ट मूव है ग्रास टाइप पॉक्यूमॉन्स का। भाई इसके लेवल में और कोई पॉक्यूमॉन कैंटो के अंदर तो ऑफकोर्स नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे वीनोसॉर को ही पुट करना था बेस्ट पोजिशन के लिए। नेक्स्ट टाइप है ग्राउंड टाइप। तो इसमें दो पॉक्यूमन बहुत ही अच्छे से निखर के आते हैं, वो है नीडो क्वीन एंड नीडो किंग। दोनों सेम इवोल्यूशनरी फैमिली से है, एंड नीडो किंग जहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनके पावर्स लगभग सेम है, लेकिन बस इनमें जेंडर का डिफरेंस है और इसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं, और इनके जो मूव सेट है वो भी बहुत हद तक सिमिलर है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने ग्राउंड टाइप में नीडो क्वीन एंड नीडो किंग को पुट किया है, और बाकी जो पॉक्यूमॉन है ग्राउंड टाइप में कैंटो के अंदर वो नीडो किंग या नीडो क्वीन के बराबर नहीं आ पाते, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको नहीं रख के नीडो किंग एंड नीडो क्वीन को ग्राउंड टाइप में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉक्यूमॉन में पुट किया है कैंटो के अंदर। नेक्स्ट टाइप है आइस टाइप, और आइस टाइप में यहाँ पे हम लोग लेजेंडरी पॉक्यूमॉन को ऐड ना करें तो लैप्रस और जिंक्स, इन दो में से कोई एक पॉक्यूमॉन को मुझे यहाँ पे पिक करना था। ओके, जिंक्स के पास पावर्स है लेकिन जो वीकनेसेस है वो जिंक्स के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैप्रस, तो मैंने लैप्रस को यहाँ पे बेस्ट पॉक्यूमॉन स्लैश स्ट्रॉन्गेस्ट पॉक्यूमॉन कैंटो रीजन में आइस टाइप का रखा है, बिकॉज लैप्रस जिंक्स से बस वीकनेस के मामले में जीत जाते हैं, एंड जो मूव सेट है दोनों की वो बहुत हद तक सिमिलर है। लैप्रस के पास भी अच्छे खासे मूव्स है और ये दोनों पॉक्यूमॉन बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन जो डिफरेंस है वो वीकनेसेस में आती है। लैप्रस के पास कम वीकनेस है एंड जिंक्स के पास ज्यादा वीकनेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे लैप्रस को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉक्यूमॉन पे रखा है। अब देखो नॉर्मल टाइप की बारी आई, तो नॉर्मल टाइप में और कोई पॉकीमॉन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई अगर तुम्हारे पास स्नोलैक्स जैसा अल्टीमेट पॉकीमॉन है नॉर्मल टाइप में, और तुम किस पॉकीमॉन को पुट करोगे नॉर्मल टाइप के लिए, और यहाँ पे कोई अच्छा चॉइस नहीं है नॉर्मल टाइप के लिए स्नोलैक्स को छोड़ के, बिकॉज हम लोग सभी ने एनिमे भी देखा है और गेम्स के अंदर भी तुम लोग जानते हो स्नोलैक्स बहुत ही ओपी पॉकीमॉन है, और उससे कॉम्पिटिशन देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो तुम्हारा कोई ना कोई पॉकीमॉन तो नॉकआउट करके जाएगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि स्नोलैक्स खाली हाथ जाएगा, वो तुम्हारा कोई ना कोई पॉकीमॉन लेके पक्का जाएगा, मतलब स्नोलैक्स का ये एक अलग ही स्वैग है। नेक्स्ट टाइप है पॉइजन टाइप, और ये टाइप सबसे खतरनाक टाइप है। अब देखो इस टाइप में तीन टाइप के चैंपियंस आ रहे हैं, यानी कि वीनोसॉर, गेंगा और नीडो किंग नीडो क्वीन। तो इन चार पॉक्यूमॉन्स में से तुम्हें किसी एक को पिकआउट करना है बेस्ट पॉइजन टाइप के लिए। तो यहाँ पे देखो यार गेंगा थोड़ा सा पीछे हो जाता है पॉइजन टाइप के हिसाब से, लेकिन नीडो क्वीन एंड नीडो किंग के पास भी अच्छे मूवसेट है पॉइजन टाइप के, एंड वीनोसॉर भी कम नहीं है। अब यहाँ पे वीनोसॉर और नीडो किंग एंड नीडो क्वीन में से किसी एक को पिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉइजन टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो नीडो किंग एंड नीडो क्वीन के पास एबिलिटीज ज़्यादा अच्छी है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं नीडो किंग एंड नीडो क्वीन के साथ जाऊँगा पॉइजन टाइप के लिए। वीनोसॉर भी बहुत ही अच्छा पॉकीमॉन है, लेकिन यहाँ पे नीडो किंग एंड नीडो क्वीन की एबिलिटीज के कारण उनके पास पॉइजन पॉइंट है, दैट्स वाई यहाँ पे वो किसी भी पॉकीमॉन को पॉइजन कर सकते हैं जो उस पर मैनुअली अटैक करे। तो इसी एक क्राइटेरिया के कारण मैंने यहाँ पे नीडो किंग एंड नीडो क्वीन को पुट किया पॉइजन टाइप का बेस्ट पॉकीमॉन। नेक्स्ट टाइप पे साइकिक टाइप, तो एलेकजैम यहाँ पे अपना स्पॉट गेन करता है, और ये बात याद रखो कि इसमें हम लोग लेजेंडरी पॉक्यूमॉन या फिर मिथिकल पॉक्यूमॉन्स को ऐड नहीं कर रहे। तो भाई यहाँ पे इजिली यहाँ पे एलेकजैम आते हैं नंबर वन स्पॉट पे, बिकॉज और कोई ऐसा पॉक्यूमॉन है नहीं जो इसको टक्कर दे पाए। अगर हम लेजेंडरीज को ऐड करते फिर यहाँ पे सीन बहुत चेंज होता, तो यहाँ पे एलेकजैम तो नंबर वन पे बैठा हुआ है साइकिक टाइप के अंदर। नेक्स्ट टाइप है रॉक टाइप। रॉक टाइप में भी कॉम्पिटिशन है कुछ, लेकिन एरोडेक्टाइल यहाँ पे बेस्ट पॉकीमॉन है कैंटो के अंदर रॉक टाइप के अंदर। यहाँ पे ये एंशियंट पॉकीमॉन है स्लैश एक फॉसिल पॉकीमॉन है, और इसके पास अच्छी खासी पावर्स भी है, फ्लाइंग टाइप का भी है, एंड इसके पास मेगा इवोल्यूशन भी है। वैसे हम लोग मेगा इवोल्यूशन को यहाँ पे ऐड नहीं करें, लेकिन फिर भी यार इसके पास अच्छी खासी यहाँ पे पावर स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरोडेक्टाइल को पुट किया है रॉक टाइप का बेस्ट पॉकीमॉन। और नेक्स्ट टाइप है स्टील टाइप। स्टील टाइप भी कैंटो के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और नेक्स्ट और लास्ट टाइप की वाटर टाइप, तो यहाँ पे ब्लास्टोइज नंबर वन पॉक्यूमन आएगा, ये नो डाउट यार यहाँ पे ब्लास्टोइज का आना ही चाहिए। गैराडोस भी अच्छे खासे कंपटीशन में, लेकिन भाई गैराडोस के पास तो ज़्यादा वीकनेस है, ब्लास्टोइज के पास कम वीकनेस है, और जो ब्लास्टोइज के मूवसेट है ना वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू गैराडोस। जो गैराडोस के पास भी अच्छी मूवसेट है, लेकिन यार ब्लास्टोइज के कंपैरिजन की मूवसेट नहीं है, क्योंकि ब्लास्टोइज थोड़ा सा ज़्यादा अपर हैंड रखता है एज कम्पेयर टू गैराडोस इन वाटर टाइपिंग।
ओके बाय द वे दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। चलो आज का पॉकी क्विज है कि कैंटो के अंदर आइस टाइप का लेजेंडरी पॉकीमॉन कौन सा है। ओके कमेंट करो इसके बारे में फटाफट, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें ना वीडियो को, और इस बार भी एम करते 1K लाइक्स के लिए, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज बहुत सारे लोग अभी नए होंगे, तो भाई बस सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।